हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए ये बेबी कार्डिगन है, छोटे बच्चे का कार्डिगन है और ये 3 महीने से लेके 6 महीने तक के बच्चे के लिए बनाया हुआ है और बहुत इजी तरीके से बेबी वूल पे मैंने बनाया है। इसका डिज़ाइन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और इसको मैंने सिर्फ 2 सलाइयों पे बनाया है। ये पूरा कार्डिगन जो है ये 2 सलाई पे है, बाकी बाजू इसके अलग बने हैं, ये भी अलग है। इसमें रेगलन कटिंग मैंने करी हुई है साथ में और इस तरीके से ये बना हुआ है। तो इसमें 110 ग्राम के आसपास ऊन लगी हुई है, तो ये इस तरीके से बना हुआ है। तो नीचे से देखिए, बैक साइड भी इसी तरीके से है पूरी। ये देखिए बैक साइड, फ्रंट साइड और बाजू सारे एक जैसे ही बने हुए हैं। तो आप इसको चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं। इसका मेजरमेंट मैं आपको देने जा रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें मैंने पूरी 1 सलाई पे फंदे डाले हैं। ये जो पूरा इस तरीके से बनाया हुआ है, देखिए पूरा ये जो है नीचे का पार्ट, ये पूरा मैंने 1 ही सलाई पे बनाया है। तो जब 1 सलाई पे हम फंदे डालते हैं तो तीनों पार्ट के फंदे हम एक साथ डालते हैं, 2 फ्रंट के और 1 बैक का। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे पूरे एक साथ मैंने इसमें 7 और 7 दोनों साइड के पट्टी के फंदे हैं और बाकी इसमें 119 फंदे जो हैं ये बैक और फ्रंट के हैं। तो 119 फंदे बैक और फ्रंट के हैं और 14 फंदे इसमें पट्टी के हैं, 119 प्लस 14। तो अब देखिए, जैसे आपने टोटल फंदे डाले, इसको सीधा बनाते हुए जाना है, एक साथ ही बनेगा तो डिज़ाइन को भी हमें एडजस्ट करना होता है। आप इसमें देखेंगे दोनों साइड पे डिज़ाइन एक जैसा बना हुआ है। देखिए यहाँ पे भी ये जो लाइन है यहाँ पे है पट्टी के पास और यहाँ पे भी है, तो सिमेट्री का भी हमें ध्यान रखना होता है जब हम कोई भी इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्योंकि जब हम अलग अलग बनाते हैं तो हमें फंदों का कैलकुलेशन रहता है, लेकिन जब एक साथ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक साइड से शुरू करते हैं उसको। तो 7 फंदे पट्टी के हैं और ये बाकी 7 इस साइड और 7 इस साइड। तो नीचे से सीधे सीधे का बॉर्डर है इसमें, 16 फंदों का ये बॉर्डर है, 16 लाइंस का ये बॉर्डर डला हुआ है और उसके बाद ये डिजाइन मैंने इसमें शुरू किया है। कोई फंदा मैंने बढ़ाया नहीं है, जितने फंदे थे उसी पर मैंने इसको आगे कंटिन्यू किया है। यहाँ तक इसको मैंने बनाया है 7 इंच, बॉर्डर से लेके यहाँ तक 7 इंच बनाया है। कटिंग करने से पहले, आर्म होल से पहले इसको 7 इंच बनाया हुआ है। आप बच्चे की लंबाई भी नाप के देख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा लंबा चाहिए तो आप उस हिसाब से इसको रख सकते हैं। और बीच बीच में देखिए इसमें बटन होल भी मैंने डाले हैं, 9 लाइंस, 9 यानी कि अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो 9 लाइंस है, वैसे 18 लाइंस के बाद मैंने इसमें बटन होल बनाया हुआ है इस तरीके से। एक साइड तो प्लेन बनते, एक साइड बटन होल। पूरा हम एक साथ बनाते हैं तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, बटन होल डालने का। और यहाँ से मैंने इस डिज़ाइन को बंद कर दिया, यहाँ से मैंने इसको तीनों पार्ट को एक जैसा बनाया है। इसमें मैंने सीधी उल्टी लाइंस डाली हैं और जब हमने यहाँ पे कटिंग की तो यहाँ से हमने रेगलन कटिंग स्टार्ट की है। बाजू की रेगलन और इसकी एक साथ होती है, तो एक ही सलाई पर हमने सारे पार्ट ले लिए और उसकी कटिंग करके और यहाँ तक हमने बना लिया। तो ये देखिए बाजू में मैंने यहाँ पे 32 फंदे डाले हैं, 32 फंदे और 12 लाइंस का ये बॉर्डर है। उसके बाद सेम डिज़ाइन डाला है, हर 5 लाइंस के बाद मैंने इसमें फंदे बढ़ाए हैं और ऊपर तक इसमें 52 फंदे हो गए थे कटिंग से पहले। ऐसे ही सेम दोनों बाजू में किया है, जब 52 फंदे हो गए तो एक दो बार मैंने इसमें रेगलन करके फिर इसको फ्रंट के साथ ही 1 सलाई पर ले लिया। जब हमने 1 सलाई पे लिया तो सारी साइड पे जो होते हैं एक एक फंदा इसमें रेगलन में घटता हुआ जाता है। साथ में गले की कटिंग की है, गला भी इसका इसी के साथ मैंने बनाया है, अलग से नहीं बनाया, इसी में कटिंग हुई है गले की और शेप भी बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ से जो जहाँ से कटिंग हुई है, आर्म होल जो है इसकी पूरी लंबाई जो है वो 5 इंच है। अब जैसे ये है तो इसमें राउंड शेप देखिए गले का बहुत ही सुंदर आया है, इसमें सेम इसी में मैंने करा है। तो ऊपर जो थे इसमें 86 तक फंदे इसमें बचे हुए थे टोटल चारों पार्ट के मिला के। ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट्स के मिला के फंदे बचे हुए थे, तो मैंने यहाँ पे कर दिए। अब जब हम इसको यहाँ पे लाते हैं जहाँ पे आर्म होल होते हैं, तो यहाँ से भी कटिंग जब हम करते हैं तो तीनों पार्ट हमारे अलग हो जाते हैं।
क्योंकि हमें यहाँ पे डिवाइड करना होता है फ्रंट बैक को अलग अलग, तो यहाँ से ऐसे करा है। अगर आपको ऐसा ही कार्डिगन बनाना है सेम तरीके से तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं एक प्लेन सिंपल जो बिगनर्स के लिए होता है वैसा मैं आपको बना के दिखा सकती हूँ। अब ये बनाया, फ्रंट भी बैक भी दिखा देती हूँ। बैक भी देखिए बहुत ही खूबसूरत इसका बना है, सेम इस तरीके से बैक भी इसका बना हुआ है। ये डिज़ाइन मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सुंदर थ्री डी ये डिज़ाइन है, ये देखिए इस तरीके से बना है। तो बहुत इजीली बन जाता है और इसको बनाने में कोई मुश्किल नहीं आती है। छोटे बच्चों के जो स्वेटर हैं वो जल्दी बन जाते हैं। तो एक तो मैं बिगनर के लिए अभी बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि मैं जो है निटिंग कोर्स मेरे चैनल पर है बिगनर्स के लिए, तो उसके लिए भी मुझे वीडियोस बनाने हैं, तो उस पर मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताऊंगी। इसमें रेगुलर में थोड़ा सा मुश्किल होती है जो सीखने वालों के लिए। तो ये इस तरीके से बना है और सारा ऊपर जाके बंद कर दिया है। ये बेबी वूल मैंने ली है, पिंक कलर है, वर्धमान का आप ले सकते हैं, उस वाल जो भी आपको ठीक लगे। तो फिर बनाइए, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइए आपको किस टाइप के वीडियोस देखना अच्छा लगता है और आपको आगे किस कैसा वीडियो देखना है। तो फिर बनाइए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।